हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HBSE क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के ऊपर। दोस्तों, जब हमने ये डाला अपने चैनल पर तो नीचे कमेंट आए कि आप इसका सॉल्यूशन दें, तो फ्रेंड्स आज इसी का फुल सॉल्यूशन हम आपके सामने करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है ये क्लास 10th का सेट बी। चलिए आज इसको अब हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। आप कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सूटेबल आंसर्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है पैसेज। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको पैसेज में से उनके आंसर लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, व्हाट एडवाइस डज द ऑथर गिव रिगार्डिंग स्टडी। ऑथर ने कहा डू नॉट स्टडी टू लॉन्ग, तो इसका ये आंसर हो जाएगा डू नॉट स्टडी टू लॉन्ग। व्हाट डेंजर इज देयर इन वर्किंग विद ए टायर्ड माइंड, इंजूरियस रिजल्ट्स। अगला है, व्हाट एडवाइस डज द राइटर गिव रिगार्डिंग एक्सरसाइज, इसका हो जाएगा वी शुड डू मेंटल एक्सरसाइज। अगला है, व्हेन शुड वन स्टॉप स्टडिंग, ये कह रहा है कि हमें कब पढ़ना बंद कर देना चाहिए, व्हेन इट टायर्ड्स और बोर्ड, जब हम थक जाएं या बोर हो जाएं। अगले में फ्रेंड्स सूटेबल टाइटल देना है तो मैंने ये दिया है स्ट्रेटजी ऑफ स्टडिंग। आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। आपने क्या दिया हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊँगा कि आपका सही है या नहीं। आगे फ्रेंड्स, ये दूसरे पैसेज के क्वेश्चन है, लेकिन हमने सोल्व कर लिया पहला। अब चलते हैं सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स में। आप इनमें से एक लेटर आपको अटैम्प्ट करना है और मैं कहूँगा कि आप दूसरा अटैम्प्ट करें, जो कि है पैथिक कंडीशंस ऑफ रोड, यानी कि आपकी टूटी फूटी जो रोड हैं उनके बारे में आपको कंप्लेंट लेटर यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है अटैम्प्ट एनी वन, यहाँ पर आप बी पार्ट करें तो अच्छा है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कछुए और खरगोश की कहानी, वही आपको यहाँ पर लिखनी है, लेकिन इंग्लिश में लिखनी है फ्रेंड्स, द हेयर एंड द टर्टराइज। तो फ्रेंड्स आप ये बी यहाँ पर करें, आप इनको बुक में देख सकते हैं अपनी गाइड में। आगे चलिए फ्रेंड्स सेक्शन सी, सी में फोर्थ क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है वर्ब, तो कर्ड कोस्ट आ जाएगा, एस लग जाएगा कोस्ट के। माई मदर जस्ट अराइव्ड हो जाएगा, अराइव का फ्रॉम करनाल। माई सिस्टर इज राइटिंग ए बुक एट द प्रजेंट मोमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 12 करने हैं कोई भी, तो ये हमने कर लिए तीन। आगे चलिए, आगे फ्रेंड्स आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसा कि आपको पता है ए एंड द, और एक होता है ओब्लिगन आर्टिकल। तो फ्रेंड्स इटली इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले में द आ जाएगा, द डिनर गिवन बाय मी वाज अप्रिशिएटेड, उससे अगले में एन आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन है, माई टीचर शेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड और यू की जगह हो जाएगा आई, और ये पूरा सेम रहेगा। अगली थर्ड है, सी शेड टू मी वेलकम टू द पार्टी, तो इसमें हो जाएगा सी वेलकम्ड मी टू, आगे द पार्टी सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाता है मॉडल्स, तो पहले में आएगा वुड, ठीक है फ्रेंड्स, वुड आएगा, वुड दैट आई वर ए किंग, यहाँ पर इमेजिनेशन है। अगले में आ जाएगा विल, और उससे अगले में आ जाएगा रानी शेड दैट सी कुड सोल द सम, इसमें आ जाएगा कुड, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए आपके मॉडल्स। आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं आपके जिरंड, तो यहाँ पर आ जाएगा द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक टू, ठीक है फ्रेंड्स, टू वॉक हो जाएगा। इससे अगले में भी टू एडवाइज हो जाएगा, और इससे अगले में फ्रेंड्स हो जाएगा प्लीज़ स्टॉप मेक नॉइज़ है, तो मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग नॉइज़, ING लगा देंगे मेक के, ठीक है फ्रेंड्स। आगे पंक्चुएशन, डॉक्टर का डी बड़ा आर पी बड़ा और बीच में ए टिक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं MPhil PhD का PhD डॉट लगा के। औरंगजेब का ए बड़ा, एम का एम बड़ा, ई का ई बड़ा, और ग्रेट का जी बड़ा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आता है फ्रेंड्स सेक्शन डी, फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसमें से आपको यहाँ पर कोई दो पैसेज करने होते हैं, तो हमने यहाँ पर आपके लिए सोल्व किया है बी और सी पैसेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो बी पैसेज देखिए,
बी पैसेज है वो है मैडम राइड्स द बस में से। तो चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम लिखना है, आप देख सकते हैं मैडम राइड्स द बस और वल्ली का मम। व्हाट वाज फुल नेम ऑफ वल्ली? वल्लियम्मई है फुल नेम, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, वो वहाँ हाउस के बाहर खड़ी रहती थी, आपको पता है। और वैली के कितने प्लेमेट्स थे सॉरी फ्रेंड्स, एक भी प्लेमेट नहीं था उसके पास खेलने वाला, तो नौ लिख देंगे। आगे फ्रेंड्स ये दो वर्ड दिए गए हैं, इनके हमें सेम मीनिंग वाले लिखने हैं, तो एजर का हो जाएगा क्यूरियस और हॉबी का हो जाएगा पास्ट टाइम। अगला है फ्रेंड्स द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स, ये लिया गया है चैप्टर, तो है कुर्ग ग्लिम्सिप्स ऑफ इंडिया और ऑथर है लोकेश अब्रोल, ठीक है फ्रेंड्स। अगले में वी वी सीन फ्रॉम ब्रह्मागिरी हिल्स लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अगला हो जाएगा आप कैसे पहुंच सकते हैं निसर्गधामा आइसलैंड वॉकिंग थ्रू रोप्स। आगे आ जाएगा व्हाट इज़ द बोनस फॉर विजिटर्स हु विजिट कुर्ग, बैल कुप्पी है वो बोनस है। और ये दो वर्ड्स आप देख सकते हैं इनके सेम मीनिंग। इसके आगे आता है फ्रेंड्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये आप अपनी गाइड में देख लें क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम बता नहीं सकते यहाँ पर। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये भी आप अपनी जो आपको आपके टीचर ने लिखवाए हैं वहाँ देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आए तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे पर्सनली। आगे आ गया स्टेंजा, तो ये पहला स्टेंजा है, ये पोएम है द बाल पोएम, और इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन बेरीमन। अगला क्वेश्चन है हु सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी द बॉय। अगले में आएगा वर्ड ऑफ पॉइजनस, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मेटरलिस्टिक थिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ आएगा मनी इज एक्सटर्नल, इसका मीनिंग बताना है, तो इट मीन्स मनी ऑलवेज स्पेंट, मनी हमेशा खर्च हो जाती है। और यहाँ बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, द लॉस ऑफ क्लियर थिंग्स डियर थिंग्स सॉरी फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स इसमें से एक करना था, हमने पहला कर लिया, आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया सेकंड बुक का, और ये शॉर्ट आंसर आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ये कर लेंगे अपनी गाइड से या कॉपी से नोटबुक से कहीं से भी, आप ये देख सकते हैं मैंने जो वीडियो बनाई थी वैसे ही आ रहे हैं लगभग। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैन ट्रिकी वॉज सीरियस इल हुम डिड मिस्टर पम्फ्री मेक ए फ्रेंटिक कॉल, तो मिस्टर हैरियट को उन्होंने कॉल किया था जब वो बहुत बीमार हो गया था फ्रेंड्स, और वो बीमार क्यों हुआ था? मोटापे की वजह से। हाउ मेनी टाइम्स डिड हॉरेंस टॉमी मेक ए थेफ्ट इन ईयर? वन टाइम, एक बार ही वो चोरी करता था एक साल में। विच बुक डिड एल्बर्ट्स मदर गेव हिम? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। अगला फ्रेंड्स हु वाज लक्ष्मी, तो भोली काउ थी जो लक्ष्मी, जिसका नाम था भोले की गाय का। फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमने आपको पूरा का पूरा पेपर है वो सोल्व करके दिखा दिया है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।